मैंने भी अपना अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि नगर निगम सोलन के ज्वार पार्क में एक ओपन एयर थिएटर किसी वाटर टैंक के ऊपर में बनाने जा रही है। मेरा मानना है कि नगर निगम के अधीन जितनी भी जगहें हैं जो नगर परिषद के टाइम में बनी या नगर निगम के टाइम में बनी, सभी नगर निगम के अंडर आती है। जो गंज बाजार का पार्क है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया है और उस स्टेज के ऊपर कई लाखों रुपए का खर्च भी आया है, लेकिन जब से वो स्टेज बना है ना तो उस पर कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ है, ना उस पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, ना ही उस पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम हुआ। मुझे नहीं ऐसा पता लग रहा कि वो स्टेज का औचित्य क्या है जो उसको बनाया गया है। अगर नगर निगम ओपन एयर थिएटर ऐसा कुछ बनाना ही चाहती है तो स्टेज उनके पास में पहले से अवेलेबल है, उसी को क्यों नहीं वो उसमें ओपन एयर थिएटर के अंदर कन्वर्ट कर देते। क्योंकि अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ज्वार पार्क जैसी जगह में जो आम जनता है उसका कोई वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, और जबकि हमारा जो सोलन का गंज बाजार है उसमें अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है या कुछ कर रहा है तो चलते फिरती जनता भी वहाँ पर उनको देखने के लिए आ जाएगी, और जिससे उनका हौसला बढ़ेगा। अगर 10 ही लोग ऊपर पहुँचे और कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसको मैं नहीं समझता कि वहाँ पर बनाने का कोई औचित्य है। और जो अगर उस ओपन एयर थिएटर के ऊपर में लाखों रुपए जो खर्च करने हैं, उन पैसों को एक अच्छे ढंग से गंज बाजार का जो स्टेज है उसके ऊपर में खर्चा जाए, और वहीं पर उस ओपन थिएटर को भी नगर निगम बना सकती है। बाकी जो नगर निगम है वो उसका अपना निर्णय है कि क्या करती है, लेकिन जो जनता का पैसा है अगर उसके सदुपयोग की बात देखी जाए तो जो सोनम के गंज बाजार का पार्क है वहाँ के स्टेज को इस्तेमाल करना चाहिए।